સુરત શહેરના પાલનપુર પાટિયાથી બંગાળી સમાજ દ્વારા હાથ પર બ્લેક પટ્ટી બાંધીને વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો। મળતી માહિતી મુજબ સુરતમાં રહેતા બંગાળી સમાજના વિવિધ સામાજિક આગેવાનો મોટી સંખ્યામાં મહિલાઓ આ રેલીમાં જોડાયા હતા। હાથમાં બેનરો સાથે કાળી પટ્ટી બાંધીને વિરોધ નોંધાવ્યો હતો। નરાધમને ફાંસી આપવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી હતી। ટ્રેની ડોક્ટર પર રેપ અને હત્યાની ઘટના સમગ્ર દેશમાં પ્રત્યાઘાત પડ્યા હતા। લોકોમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે। સમગ્ર ઘટનાને લઈ છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી લોકો વિરોધ કરી રહ્યા છે। હત્યારાને ફાંસીની સજા આપવામાં આવે એવી માંગ કરવામાં આવી રહી છે। देखिए, ये जो मेनली वोमेन के ऊपर में इंडिया में ऑल ओवर इंडिया जो वायलेंस हो रहा है, जो नाजायज काम हो रहा है, रिसेंटली कलकत्ता में आर्जिकल कॉलेज में भी हुआ। नॉट ओनली आर्जिकल कॉलेज, ऑल ओवर इंडिया ऐसा वुमेन के ऊपर में हेनस क्राइम हो रहा है। इसके प्रतिरोध में हम लोगों का ये मौन मिचिल है, जो कि हम लोग चाहता है समग्र प्रशासन और विचारालय से हम लोग का अनुरोध है कि इसका जल्द से जल्द सख्त कानून बना के जो दोषी है उनको सख्त से सख्त सजा मिले। बस ये हमारा कलकत्ता कल्चरल एसोसिएशन से एक मौन मिचिल है। आपने काली पट्टी बांधी और कौन से इलाके में यहाँ पर? ये काली पट्टी है एज ए मार्क ऑफ प्रोटेस्ट। ये बहुत दुख का बात है, जो ये मार्क ऑफ प्रोटेस्ट है। ये हमारा हनी पार्क रोड का अंदर भी हमारा क्लब है। हम लोग यहाँ से जाएंगे महालक्ष्मी मंदिर, वहाँ से लेफ्ट टर्न लेके हम लोग जाएंगे आपको आनंद महल रोड, आनंद महल रोड से टेकरी वाला स्कूल होके हम लोग वापस आ जाएंगे यहाँ पे। ये तो मार्क ऑफ प्रोटेस्ट हम लोग निकल रहा है मौन मिचिल। ओके ओके।